नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ वर्षा शर्मा। जोधपुर स्मरक शिक्षा अभियान के तहत बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया। शिक्षक अपने स्कूल के बच्चों को साइबर क्राइम के प्रति जागरूकता का ज्ञान देंगे। स्मरक शिक्षा अभियान की अधिकारी शशि चौधरी ने बताया है कि आज के युग में बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई करवाई जाती है, जिसके कारण बच्चों के हाथ में मोबाइल और कंप्यूटर रहता है। अभिभावकों का हर समय उन पर ध्यान रहना आवश्यक नहीं है और ऐसा हो भी नहीं पाता, जिसके कारण बच्चे दूसरी साइट पर जाकर सर्च करते हैं, जिसके कारण वो फ्रॉड का भी शिकार हो जाते हैं। उनको बचाव के लिए ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तो इसको मैं बताने के लिए आपको बताती हूँ, ये HTTP, ये HTTP सभी में लिखा रहता है, ऊपर वाली साइट में लिखा है, ठीक है। नीचे करोगे, नीचे भी और बहुत सारी साइट्स होती है। पहचानने का तरीका क्या है? HTTPS, S जो पीछे है वो क्या है? सिक्योरिटी का है, और आगे इसके क्या लगा रहेगा? लॉक लगा रहेगा। तो ये इसके बेसिस पे अपन क्या जान सकते हैं कि ये ऑथेंटिक साइट है, जिसके जिस पर अपन अगर यहाँ पे ये SBI का लोगो लगा हुआ, लॉक लगा हुआ, पीछे S लिखा हुआ, ये दूसरी साइट है, इसमें योनो का वो दिखा रहा है लोगो, है ना। इसके पीछे भी एस लगा हुआ है, एस का मतलब कि सिक्योर है। तो और दूसरी अपन कोई भी साइट खोलते हैं। देखा आपने कैसे वो समझा रही हैं कि कैसे पता लगाया जाए कि जो साइट है वो ऑथेंटिक है या नहीं, इससे फ्रॉड से भी बचाव होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। जय हिंद। देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज़।